हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से न्यू ब्लॉग, आप लोगों का हार्दिक स्वागत मेरे चैनल में। ये हमारी भाभी जी लगती है, भाभी जी देखो इसकी जी, ये हमारी भाभी जी लगती है, देखो कितना मेहनत करती है। एक हाथ से खोल कूट देते हैं ना वो, यस या नो दी हो चुकी। एक और होना है, देखो अभी ये मेहनत करने लगी, बीच में उन्होंने छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी थी, इनके ऊपर जिम्मेदारी कम आ गई थी। अब इनके ऊपर जिम्मेदारी आने वाली, फिर से स्टार्ट करने लगे वर्किंग, क्योंकि बाद में इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट या रॉन्ग? नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। और देखो, ये हमारे भाभी जी हैं, वैसे ग्राम प्रधान भी हैं। ये इतना हार्ड वर्किंग, इतना काम करते हैं कि अभी भी देखो। भाभी जी, इसके बारे में बताओ, ये क्या चूड़ के बारे में बताओ, जो हमारा कल्चर है इसके बारे में बताओ आप। कल को हमारे वहाँ ये चूड़ का त्यौहार होता है। ओके, तभी हम आज यहाँ पर ये इतने लोग मिलजुल के यहाँ पर ये चूड़ कूट रहे हैं। पहले इसको ऐसे भुना जाता है, इसको भून के दिखाओ जरा, कितना टाइम लगता है इसको भूनने में? इसको भूनने में कितना टाइम लगता है? इसको भूनने में 5 मिनट लगते हैं, कूटने में 2 मिनट लगते हैं। कूटने में तो ज्यादा लगेगा, फिर 2 मिनट लगते हैं कूटने में बस। हाँ, 5 मिनट भूनने में, 2 मिनट कूटने में। ये राइस चावल का होता है ना? हाँ, ये चावल का होता है। ये कितने दिन पहले भिगोना पड़ता है? ये दिखाना बहुत ज्यादा लिस्ट क्या कर रहे हैं? 6 दिन 5 दिन पहले भिगाना पड़ता है। सब फूल कितना बड़ा हो गया उसको दिखा, हाथ से उठाना यहाँ। इसकी दिन इसको भिगाने में लगते हैं, उसके बाद हम इसको ये कढ़ाई में भून कर इसके खीले बनाते हैं। इसके बाद इधर का प्रोसेस बताओ मेरे को जरा, आप इधर आ जाओ। इसके बाद इसमें ओखली में डालने के बाद, ओखली में डाल के इसको दो जने कूटते हैं। इसके बाद और अपने सर पर चढ़ाते हैं, भगवान सारे बच्चों को चढ़ाते हैं, अपने इष्ट देवों को चढ़ाते हैं, उसके बाद हम इसको खाना शुरू कर देते हैं। बचपन से आपने देखा होगा ये हमारे घर की रीति रिवाज है, हम बचपन से इसको देखते हुए आए हैं। सही बात है, हम भी बचपन से देखा है, क्योंकि मैं 10-12 साल के बाद दिवाली मना रहा हूँ, थोड़ा इतना माइंड में नहीं रहता। तो आप इसको कूट के दिखाओ कैसे कूटते हैं और कितना टाइम लगता है, 2 मिनट जरा वो दिखाओ मेरे को। अब इसको हम डालना शुरू कर रहे हैं, अभी 2 मिनट में साफ हो जाएंगे। देखो, हम 4-5 ने यहाँ पर मिल के काम कर रहे हैं। चूड़ कूटे जा रहे हैं, वहाँ पर देखो भुने भी जा रहे हैं सब। हम गांव के लोग ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं, हमारे गांव में ऐसे करना भी ठीक ही है। अच्छा सब है। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी देखे, क्योंकि सब मिलजुल के सारे मिलजुल के काम कर रहे हो, 2 लोगों को कूट चुके हो, 3 लोगों को कूट रहे हो, कितनी अच्छी बात है। देखो, जैसे कि वो थक जाएंगे तो आप कूट सकते हो। हाँ, एक दूसरे का सहारा भी करेंगे, एक के ऊपर प्रेशर नहीं है कि उसी ने कूटने अपना चूड़। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। और देखो, और इसमें कम से कम 2 मिनट लगते हैं चूड़ को, फिर इसको कल सबके बच्चों के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और बच्चे कितने खुश हैं, सबके बच्चे जो जो भी है सारे घर आए हैं। ये बड़ी वाली भाभी है, बड़ी वाली दीदी है मेरी। हाँ, ये बहू है, ये बहू है, वो बड़ी वाली दीदी है, सबसे बड़ी वाली दीदी भून रही है। हाँ, ये सेकंड नंबर की दीदी कूट रही है, ये बहू है, यहाँ पर बच्चे भी है हमारे। एक उधर दीदी तमाशा देख रही है, एक दीदी वहाँ पर वह उनका तमाशा देख रही है। ये काम नहीं करते हैं भाभी जी। बहुत अच्छा, आपसे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसी पे हमने छोड़, क्योंकि थोड़ा आपको पहले थोड़ा लगेगा कि एक्सप्लेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बाद में इसके बाद आप ठीक हो जाएगा। ठीक है फिर, धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आप ऐसी मेहनत करते रहो, फूलो फलो और मस्त रहो।